वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना ही चेंज होते हैं और ना ही डिसअपियर होते हैं एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में एटम्स के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बनते हैं साथ ही न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि बॉन्ड के बनने और ब्रेक होने पे डिपेंड करते हैं आइए जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आइए अब हम इस केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है आइए इस रिएक्शन को हम एक सिंपल एक्टिविटी से समझते हैं एक बीकर में हम कम मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे अब हम इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे जब हम बीकर को टच करते हैं तब हम फील करते हैं कि बीकर का टेम्परेचर बढ़ चुका है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज करता है इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं सेकंड, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है आइए इस रिएक्शन को एक सिंपल एक्टिविटी से समझते हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में दो ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेंगे। इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर नोट कर लेंगे अब हम बॉइलिंग ट्यूब को एक बर्नर से गर्म करेंगे हम देखेंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का ग्रीन कलर चेंज होने लगता है और साथ ही एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी आती है इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक होता है इसलिए हम इसे डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं थर्ड, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट या आयन किसी कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट या आयन को रिप्लेस कर देते हैं आसान शब्दों में कहे तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट और एन आयन इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनादर एलिमेंट और आयन इन अदर वर्ड्स अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड आइए इस रिएक्शन को एक सिंपल एक्टिविटी से समझते हैं थ्री आयरन नेल्स लीजिए और इन्हें पेपर से साफ कर लीजिए अब दो टेस्ट लीजिए और उन्हें ए और बी मार्क कर लीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब में लगभग 10 ml कॉपर सल्फेट सल्यूशन लीजिए अब दो आयरन नेल को धागे से बांधकर टेस्ट ट्यूब बी में 20 मिनट के लिए इमर्ज कीजिए तीसरे आयरन नेल को कंपैरिजन के लिए अलग रख लीजिए 20 मिनट बाद आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालिए दोनों टेस्ट ट्यूब ए और बी में डाले गए कॉपर सल्फेट की ब्लू कलर की इंटेंसिटी को कंपेयर कीजिए आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बी जिसमें आयरन नेल रखी गई थी उसका कलर चेंज हो गया है साथ ही अलग रखे गए आयरन नेल को ट्यूब में रखे गए आयरन नेल के साथ कंपेयर कीजिए आप पाएंगे कि ट्यूब में रखे गए आयरन नेल्स का कलर ब्राउनिश हो गया है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्टिव है और आयरन आयन कॉपर आयन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से रिप्लेस कर दिया जाता है इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में 3 एम सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लीजिए एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 एमएल बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लीजिए अब दोनों सोल्यूशन को मिक्स कीजिए आप देखेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस बनता है जो कि वाटर में इंसोल्यूबल होता है इस इंसोल्यूबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बनाते हैं और साथ ही दूसरा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन में दो आयन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। रिडक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और नया प्रोडक्ट बनाता है आइए इन्हें सिंपल एक्टिविटी से समझते हैं एक चाइना डिश में वन ग्राम कॉपर पाउडर लीजिए और हीट सप्लाई कीजिए आप देखेंगे कि कॉपर पाउडर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट होने लगती है जो कि कॉपर ऑक्साइड है इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं अब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे हम देखेंगे कि ब्लैक कोटिंग अब ब्राउन कलर में बदलने लगती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन लूज करता है वही दूसरी ओर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में